हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीपीएस क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आल यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। यूजीसी ने जारी किया है एक महत्वपूर्ण नोटिस, उसमें उन्होंने सारी भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जारी किया है नोटिस। सभी विश्वविद्यालय के लिए मान्य होगी, परीक्षा ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, कि बिना पेपर दिए आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। आपके सामने दो दो प्रूफ इस वीडियो में आप लोग के लिए बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आप लोग गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, और जो चैनल पर नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से कोई भी अपडेट है सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहली प्रूफ है, और ये पहले प्रूफ में लिखा गया है यूजीसी कमेटी विश्वविद्यालय और उच्च स्थानों में शैक्षिक सत्र सितंबर से हो शुरू, इसके संदर्भ में बात कही है। पहले बात पूरी खबर जान लेते हैं। देखिए, इसमें खबर में लिखा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा गठित दो जो समिति थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है यूजीसी को सौंप दी है, और वो सितंबर से एकेडमिक सत्र शुरू करने के एक अहम सुझाव दिया है। पहले चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं फटाफट की क्या आपके जो पूरी पढ़ के आपको पूरी डिटेल के साथ आपको खबर दे देते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है विश्वविद्यालय की तरफ से, यहाँ पर एक गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूजीसी कमेटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ दिन पूर्व जिन दो समितियों का गठन किया था उन दोनों समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की है आप लोग के लिए, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो समिति द्वारा विचार किए गए थे बिंदु यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई थी, कौन कौन से ऐसे विचार थे जो बिंदु आपके प्रकट किए गए थे, मैंने आपको चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें लिखा गया है दो समितियों ने इस रिपोर्ट में सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, एकेडमिक सत्र 2020 एवं ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन सहित कई अन्य मुद्दों में संबंधित अपना विचार प्रस्तुत किया है, और यूजीसी अब इस रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यानी कि जो आप जो रिपोर्ट जो दो समिति गठन हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप जो भी फैसला आया है वो मानव संसाधन के मंत्रालय के समक्ष रखेगी, वही वहाँ पर आपका लिए कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। देख लेते हैं यूजीसी की समिति की रिपोर्ट में क्या था। विश्वस्त सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय और विशेषज्ञों द्वारा जो सुझाव समिति को प्रदान किया गया है वह यह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जब तक देश के हालात सुधर नहीं जाते तब तक किसी भी कीमत पर छात्रों को पढ़ने के लिए कक्षाओं में बुलाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे छात्रों के बीच फिजिकल डिस्टेंस का मेंटेन करने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और वहीं दूसरी खबर है कि विश्वविद्यालय और विशेषज्ञों ने समिति को यह भी सुझाव दिया है कि जिन शहरों अथवा जिन जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है वहां के छात्रों को लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात आगामी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु छूट प्रदान कर दी जाए, जिससे वे अगले सत्र में प्रवेश हेतु अपनी तैयारी कर सकें। और देखिए, खबर तीसरी है कि ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए परिप्रेक्ष्य में, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए संदर्भ में क्या कहा गया है। ऑनलाइन परीक्षा करवाने के परिप्रेक्ष्य में समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हमारे सभी कॉलेजों में विश्वविद्यालय के पास ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। देख लिख सकते हैं आप, यहाँ पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन परीक्षा हो, इसलिए यह संभव नहीं है। और हाँ, जिनके पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं वे अपनी ऑनलाइन परीक्षा करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर जिस यूनिवर्सिटी के पास ये सब उपलब्ध नहीं है वो ऑफलाइन करवाएं, अगर जिनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहाँ पर वो लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। आगे खबर में देखिए समिति ने क्या कहा है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे छात्र जो ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पहले तथा दूसरे वर्ष में हैं उन्होंने पिछले सेमेस्टर के आधार पर पूर्ण करने के लिए एकेडमिक काउंसिल में एक प्रस्ताव पास किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर समिति ने यह भी आप लोग के प्रमोशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी अपडेट कही है। यहाँ पर देखिए, ऐसे छात्र जो ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट के पहले तथा दूसरे वर्ष में, मतलब कि आप चाहे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो आप लोग को पिछले मतलब कि पिछले मार्कशीट के हिसाब से आपको अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का एक एकेडमिक काउंसिल प्रस्ताव भी पास किया जाए, ठीक ना। यहाँ पर भी ये अहम फैसला हो सकता है आप लोग के लिए। और नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है समिति ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर भी अपने सुझाव यूजीसी को दिए हैं, और जिसमें समिति द्वारा शैक्षिक 2020-21 में सिलेबस को पूरा कराने का भी देर शनिवार एवं रविवार को भी ऑनलाइन क्लास सहित एक्स्ट्रा क्लासेस की एवं छुट्टियों को कम करने जैसे सुझाव भी दिए गए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी जो आप लोगों को मैं बताया। पहले चलिए अब मैं आपको वो दूसरा नोटिस दिखा देता हूँ, प्रूफ जो दूसरा था।
दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा प्रूफ दिखाना चाहूंगा यूजीसी की तरफ से जो ऑफिशियली नोटिस जारी की गई थी वो आप लोग देख सकते हो। ये नोटिस है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो डेट को रिलीज की गई थी 25 तारीख को। देखिए इसमें संदर्भ में क्या कहा गया है, प्रेस रिलीज ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर्स, यानी कि एकेडमिक कैलेंडर्स के बारे में ये जो है पूरी नोटिस जारी की गई है। देखिए इसमें लिखा गया है, यह हमारे संज्ञान में आया है कि यूजीसी समितियों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर के बारे में कुछ खबरें मीडिया में छपी हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि यूजीसी ने दो समितियों का गठन किया था जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं, परीक्षाओं, प्रवेश यानी शैक्षणिक कैलेंडर और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में कोविड 19 महामारी और देश के मद्देनजर जैसे मुद्दों पर गौर करें। व्यापक तालाबंदी, शैक्षणिक नुकसान से बचने और छात्रों के भविष्य के लिए उचित उपाय करने के लिए प्रोफेसर आरसी कुहार, पूर्व सदस्य यूजीसी और हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में पहली समिति को परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर से संबंधित मुद्दों को देखने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि प्रोफेसर की अध्यक्षता में दूसरी समिति नागेश्वर राव, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए कहा गया था। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि दोनों समितियों ने 24 अप्रैल 2020 को अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंप दी है और इन रिपोर्टों पर यूजीसी आयोग की बैठक में चर्चा की जाएगी और आयोग निर्णय के आधार पर यूजीसी के अगले सप्ताह दिशा निर्देश सलाह जारी करेगा। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए साथ साथ छात्र समुदाय के बड़े हित में अगले शैक्षणिक सत्र के लिए की जाने के उपाय के बारे में है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रजनीश जैन जो की सचिव सेक्रेटरी हैं आप लोग के लिए ये पूरी बात, ये आप लोग देख सकते हैं प्रूफ, मैं दूसरी प्रूफ आपको दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत